ऐसा कोई होगा जिसने टाइटैनिक मूवी अभी तक नहीं देखी होगी। 10 अप्रैल 1912 में समुद्र में डूबने वाला टाइटैनिक कई सालों तक चर्चा का विषय बना रहा। इंग्लैंड से समुद्र में डूबने से पहले 4 दिन पहले रवाना हुआ था। खूबसूरत जहाज जो दिखने में बेहद शानदार था। टाइटैनिक को अपने समय का सबसे बड़े जहाज के रूप में माना जाता है। इसकी लंबाई 882 फीट, वजन 46,000 टन था। टाइटैनिक का यह पहला ट्रिप था जिसे वो आखिर पूरा ना कर सका। टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे का समय लगा। इस दौरान सभी बचाव कार्य जारी थे। बैंड के लीडर वाल से हर्टले संगीत को बहुत मानते थे, जिस वजह से उन्होंने उस दौरान से जारी रखने का फैसला किया। यहाँ एक से एक बढ़िया खाना खिलाया जाता था। इतिहास में टाइटैनिक ऐसा अकेला जहाज था जो हिमखंड से टकराकर डूब गया। 14 अप्रैल 1912 में रात 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में बर्फ के टुकड़े से टकराया था। टाइटैनिक का मलबा 1985 में अटलांटिक महासागर में नीचे खोजा गया था। टाइटैनिक का मलबा 15 वर्ग मील के क्षेत्र में हर तरफ से देखा जा सकता है।